ये रिश्ता क्या कहलाता है। अक्षु आज बहुत बेसब्री से इंतजार है तुम्हारा। अब दर्द की इंतहा हो चुकी है। मैं भी देखना चाहता हूं तुम इस दर्द को कैसे कैसे छुपाती हो। हर किसी के ब्रेसलेट को संभाल के नहीं रखता हूं। ब्रेसलेट तो अक्षु का, इसे मैंने उसे वापस कर दिया था। फिर ये यहां, मतलब उस दिन जो एहसास हुआ था वो गलत नहीं था। अक्षु यहां आई थी। भैया भैया मैं अंदर आऊं? हाँ बच्चा आ जा। आप यहाँ क्या कर रहे हो? सब आपका बाहर इंतजार कर रहे हैं, सब आ गए। And Aru Bhabhi is looking so pretty. सब आ गए? हाँ सब आ गए, बस अक्षुदी को छोड़ के। अक्षु नहीं आई? नहीं, actually उनको कुछ काम है ना, तो वो लेट आएंगी। बट आप तो चलो, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ, आप जल्दी जल्दी आ जाओ, ठीक है? ऐसा कैसे अक्षु, तुम यहां मेरे कमरे में आ सकती हो, मेरी सगाई में नहीं आओगी? ऐसा कैसे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं मोबाइल पे फोन करता तो तुम फोन नहीं उठाते, इसीलिए लैंडलाइन पे फोन किया है। बताओ ना, रो रही हो ना? नहीं, बिजी हूं। अच्छा, एनजीओ वाले बच्चे घर आ गए हैं क्या? ये सब नाटक बंद करो और यहां पहुंचो फौरन। आई वॉन्ट यू हियर। अक्षु, ये दर्द मैं अकेले नहीं सहूंगा, तुम्हारे साथ बांटूंगा इस दर्द को। शेयरिंग इज केयरिंग ना, एंड आई मीन इट, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आई वॉन्ट यू हियर। तुम्हारे पास आधा घंटा है। अभी 11 बज रहे हैं, 11:30 बजे तक मुझे अक्षु यहां पर चाहिए। सुना तुमने? तुम्हें आना होगा वरना। नहीं, मुझे नहीं, मुझे नहीं जाना। फैमिली को झूठ बोला है मैंने, मैं नहीं जाऊंगी वहां। मुझे जाना ही नहीं है, जाना ही नहीं है मुझे। अक्षु तुम्हें आना होगा, तुम्हारे बिना ये सगाई नहीं हो सकती। अभी लो आ गए, आ भी बनी हो, आ जा। हेलो अभी। हाय अरु।
ride, please? जल्दी आना। संभल के। अरे वो माँ की साड़ी में फ्लोटिंग कैंडल से आग लग जाती ना, इसलिए। माँ ध्यान से। थैंक गॉड बच गई। ऐसा क्या हुआ मुझे समझ ही नहीं आया। मेरी गाड़ी में तो सब शगुन का सामान लेकर गए हैं। ऐसे में ऑटो में जाऊंगी तो बहुत फनी लगूंगी। कैब बुक कर लेती हूँ। कैब से भैया इतना वेट करने के बाद आपने राइड कैंसिल कर दी। अरे क्यों पर? अब कैब नहीं तो ऑटो से ही सही। प्लान तो यही था ना कि घर से कहीं दूर जाकर ट्रैफिक के बैकग्राउंड को लेकर वीडियो कॉल करके बोल दूंगी कि मैं तो ट्रैफिक में फंसी हूँ और 12 बजे का मुहूर्त है, मैं तो पहुंच ही नहीं पाऊंगी। ऑटो से ही जाना पड़ेगा। कहा था ना डांस तो तुम्हें करना पड़ेगा। वैसे बाहर टैक्सी देखी मैंने, बिरला हाउस नहीं आ रही थी तो मैंने कैंसिल कर दी। तुम कहीं भाग रही थी क्या? चलो प्रोग्राम चालू हो चुका है। टिडिडिंग टिडिडिंग। मैं कहीं नहीं आ रही, तुम जाओ। क्या क्यों? तुम मेरे दिल में आ सकती हो, मेरे घर में आ सकती हो, मेरे कमरे में आ सकती हो, मेरी सगाई में आने में क्या प्रॉब्लम है? अच्छा एक बात बताओ, तुम मेरे दिल में क्या कर रही हो और ये मेरे कमरे में क्या कर रहा था? ये तुम्हें कहां से मिला? वहीं से जहां तुम आई थी, जहां तुमने इसे छोड़ा था, मेरे कमरे से। चोरी पकड़ी गई ना? कुछ भी मत बोलो,
वो आंटी ने दवाई लाने के लिए भेजा था, मगर तुम्हारे कमरे में शॉर्ट सर्किट होने वाला था। शॉर्ट पे आग ना लग जाए करके मैंने साइड में रखा, तो शायद फंस गया होगा। तुम ज्यादा मत सोचा करो। तो थैंक यू, मुझे इस ब्रेसलेट को बोलना चाहिए, ये खुद ब खुद मेरे कमरे में रह गया। मैं जानबूझ के क्यों छोड़ूंगी वहां, और वो भी उस कमरे में जो मेरी बहन का होने वाला है। तो रखो अपना ये ब्रेसलेट अपने पास, और इससे कहना दोबारा मेरे पास ना आना, ये ना तुम। नहीं आएंगे, ना ये ना मैं। वैसे मैं तुम्हें घोड़ी पे ले जाने आने वाला था, लेकिन अब तुम मेरी होने वाली बीवी की बहन हो, इसलिए बाइक लेके आया। चलो बैठो। नहीं जाऊंगी। तुम्हें चलना पड़ेगा। नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। जबरदस्ती करोगे? अगर प्यार से नहीं मानी तो हाँ। जबरदस्ती उठाकर लेकर जाऊंगी? नहीं, उठा के नहीं। ठीक से बैठना और कस के पकड़ना, क्योंकि आज मैं बहुत तेज चलाने वाला हूं। ये रिश्ता क्या कहलाता है।